फ्रेंड्स गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं टेरेस पे हूँ एज यूजुअल। आप लोग बोलेंगे कि फिर से टेरेस पे घूम रही है, मॉर्निंग में भी टेरेस पे, इवनिंग में भी टेरेस पे। यस ऑफ कोर्स, मुझे टेरेस पे घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ना बेंगलोर का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है। वो क्यों? क्योंकि बारिश लग रही है, और जब बारिश होती है तो मौसम अपने आप ही बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे ना मार्च से बारिश हर साल लग जाया करती थी, लेकिन ये साल जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, और इस साल तो ना रिकॉर्ड ही टूट गया बैंगलोर का। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बारिश जो मार्च में शुरू हुआ करती थी अब जाके मई में हुई है। तो मतलब हम लोग ना तरस गए हैं बैंगलोर की बारिशें देखने के लिए। तो फाइनली वो दिन आ गया है। तो इस वीक से जो है बारिशें बहुत अच्छे से और बहुत मतलब मज़ेदार बारिशें हो रही हैं, वी आर एन्जॉइंग। मिताश खेल रहा है, और ये मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो इतना मैंने सोचा कि चलो डिनर की तैयारी करनी है, उससे पहले थोड़ी देर माइंड को फ्रेश कराती हूँ, क्योंकि टीवी भी कितनी बार देखेंगे, अक्सर बंदा बोर ही हो जाता है टीवी देखते देखते भी ज़्यादा, फ़ोन भी कितनी देर देखे। तो बस मैं आ गई छत पर टहलने के लिए। पहले मैं इवनिंग वॉक के लिए जाया करती थी, मॉर्निंग में भी 1 आवर, बट अभी कुछ टाइम से ना थोड़ा छूट रही है, बट सोच रही हूँ फिर से दोबारा स्टार्ट करूँगी। लेकिन आज के लिए बारिश का जो मौसम है ना, इसमें मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी उठने का या वॉक पे जाने का। तो चलो फटाफट से वॉक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे नीचे। अभी टाइम काफ़ी हो गया है, चलते हैं नीचे। डिनर की वैसे मैं तैयारी तो करके आई थी, लेकिन बस बनाना है जाके। लिफ्ट में कई बार ना कोई ऊपर नीचे शायद आ रहा होता है, तो इसलिए आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। फाइनली लिफ्ट आ गई है, चलते हैं नीचे। और लिफ्ट में ना मुझे इतना प्यारा सा एक क्योट यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्मॉल स्टेप्स एवरी, आई थिंक इसके नीचे का ना कुछ रब हो चुका है, और बहुत ही प्यारा थॉट है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को इसका मीनिंग मालूम पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। कैमरा को हेलो बोलो। हमारे नेबर की क्यूट सी बेटी है, शी डोंट नो हिंदी, दैट्स व्हाट शी वाज लुकिंग लाइक दैट। तो मैं आ गई हूँ और थक गई थी, थोड़ा बैठ के पानी पी लेती हूँ। पानी ऑलवेज मैं मटके का ही पीती हूँ, तो पानी ना हमेशा बैठ के पीना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, नहीं तो वो हमारे घुटनों में जाता है। बेल बज चुकी है, आई थिंक हस्बैंड आ गए हैं। तो डोर ओपन कर दिया है, और सारा सामान ना अपना मैं कुकिंग का वो एक ही प्लेस पे इकट्ठा करके गई थी, तो बस आके अभी चॉपिंग करके फटाफट से मैं तड़का लगा देती हूँ। और मैं आज बना रही हूँ सेवैयाँ। रात को हम लोग अवॉइड करते हैं कि चपाती हम लोग ना खाएं, चपाती ना बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो रात के टाइम पे कुछ हल्का सा ही फूड लेते हैं। और बारिशें लग रही है ना, तो उस टाइम पे सेवैयाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहती है और गर्म भी रहती है, तो इसीलिए रात को हम लोग इस तरह का ही फूड जो है वो प्रेफर करते हैं। फटाफट से मैंने चॉपिंग जो है वो कर लिया है, और साथ साथ ही चॉपिंग करूँगी मैं। ऐसा नहीं है कि पहले से कट करके रख दूँगी, क्योंकि आधा घंटा अगर कटिंग को हो जाए ना तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो साथ साथ ही मैं जो है वो चॉपिंग करूँगी। यहाँ मैंने गैस ऑन करके ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा उसके अंदर जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही चटक गया यानी कि ब्राउन हो गया, तो थोड़ी सी मैंने उसके अंदर जो चॉप की थी अनियन डाल दी है। अनियन हल्का सा जैसे ब्राउन होने लगे ना, तो साथ के साथ ही मैं पोटैटो भी डाल देती हूँ। ऐसे ही मैं सेम नमकीन चावल में यानी कि पुलाव में उसमें भी करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी पहले फ्राई हो जाती है ना, तो बाद में वो कम टाइम लेती है उसको फ्राई होने में, और अगर हम लोग नमक साथ के साथ डालते हैं ना तो जल्दी ही वो गल जाती है, बहुत ही जल्दी ब्राउन होने लग जाती है, तो टाइम कम लगता है। तो मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया है वो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जैसे ही वो हल्का सा मुझे लगेगा कि गल गया है, तो उसके अंदर मैं टोमेटो डाल दूँगी। यहाँ पे इतना मेरे बर्तन दो मैं ऑलरेडी लगा दिए थे, थोड़े स्पून थे वो भी साथ के साथ मैंने लगा दिए। नेक्स्ट डे मुझे जो भी कुछ बनाना होता है ना, उसकी प्लानिंग मैं पहले ही कर लेती हूँ। कुछ छोले, वाइट वाले छोले बहुत टाइम हो गया था बनाए हुए, तो उसको प्रॉपर 2-3 तरीके से मतलब अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद ना साफ़ पानी में मैं इसको डिप करके रात को ही रख देती हूँ, जिससे क्या है ना सुबह ये हम कुकिंग में टाइम कम लगता है और अच्छे से वो फूल भी जाता है।
तो यहाँ पे हमारे आलू और जो अनियन थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद सारे मसालाज ऐड कर दूँगी, फिर मैं टमाटो डालूँगी, क्योंकि अगर हम लोग टमाटो डालने के बाद मसाले डालते हैं ना, तो जैसे हल्दी होती है उसके कच्चे रहने की हल्की सी स्मेल आती है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हल्दी वगैरह आफ्टर टोमेटो डालते हैं या फिर उससे पहले डालते हैं। तो दोनों मसाले जो है मैंने सारे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं स्टीम पे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि स्टीम में जो है ना टोमेटो जल्दी गल जाता है। और ऐसे ही ना स्लो फ्लेम पे मैं कुकिंग करती हूँ, और स्लो फ्लेम पे कुकिंग करने का ना एक बेनिफिट ये भी रहता है कि खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, और साथ ही साथ मैं अपने बाकी के भी जो काम है वो करती रहती हूँ, स्पेशल टाइम नहीं निकालती हूँ। तो जितना मेरा पीलिंग वगैरह था वो सारा मैंने डस्टबिन में डाल दिया है, बाकी जितना गंदा नहीं था तो उसके ऐसे पानी में निकाल के रख दिया है। आज मैंने बनाए हैं बेटे के लिए ड्राई फ्रूट, सीड्स, सभी चीज़ें भर भर के जो है मैंने उसका लड्डू बनाया है। वैसे इस सीज़न में ना मैं हमेशा उसके लिए लड्डू बनाती होती हूँ, उसका तो सिर्फ नाम है, खा तो सभी लेते हैं, है ना। तो ये लड्डू मैंने बना के रख दिए हैं, और इनको जो मैं मतलब डेली ना उसको एक दूध के साथ ज़रूर देती हूँ, तो उससे थोड़ा क्या है ना बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं उन्हें उसका रूटीन बनाया हुआ है, उसको ऑलवेज ये मैं देती होती हूँ। तो इतना मेरा तड़का जो मैंने रखा था फ्राई हो रहा है, वो इतना मैं लड्डू भर के रख दी, और साथ ही साथ हस्बैंड को भी दिया है कि टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है या कुछ कमी है उसमें। तो हस्बैंड बोले बहुत ही टेस्टी बना है। जितने भी बर्तन मेरे झूठे हो जाते हैं ना, फिर यहाँ टप में मैं रख देती हूँ पानी डाल के, ताकि वो ड्राई ना हो। सुबह मेड आके ना वो क्लीन कर देती है। और जितने भी मेरे मेन मेन बर्तन रहते हैं ना, जैसे नाइफ वगैरह हो गया, चॉपिंग बोर्ड हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो तो मैं साथ के साथ ही क्लीन करके रख देती हूँ। यहाँ गर्म पानी हो गया था तो सेवैयाँ में मैंने डाल दिया, और सेवैयाँ पक जाएगी। उसके बाद हम लोग डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद ऑलमोस्ट 1 आवर 2 आवर के गैप में हम लोग दूध ज़रूर पीते हैं। आज हस्बैंड ने और बेटे ने दोनों ने पिया है लस्सी, तो इसीलिए वो लोग दूध नहीं लेंगे। अगर आप लोगों को मालूम हो, लस्सी और दूध जो है वो कभी भी एक साथ ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो आज अकेली मैं ही हूँ दूध पीने वाली। दूध पीना ना रात के टाइम पे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अच्छा भी होता है, पूरे दिन की ना थकावट निकल जाती है गर्म दूध पीने से। यहाँ पे गैस वगैरह भी ना मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, ताकि बाद में मुझे ना इतनी प्रॉब्लम ना आए। तो खाना बनाने के बाद इमीडिएट ही मैं अपनी गैस क्लीन कर देती हूँ, और आपके साथ ना एक गैस क्लीन करने का मैं पूरा वीडियो भी शेयर करूँगी। बहुत ही एक सिंपल सा तरीका मुझे मालूम पड़ा है कि गैस आप लोग कितने अच्छे और कम टाइम में जो है क्लीन कर सकते हो। कोई फालतू की मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ती, ना घिसना ना रगड़ना। बहुत ही जल्द आपके साथ जो है मैं वो वीडियो भी आप शेयर करूँगी। पीने से पहले मैं ऑलवेज़ फ़ेस वॉश अपना करके ही सोती होती हूँ। और आप देखिए आज की वीडियो में मैंने अपना रूटीन भी आपको दिखाया, और इतने सारे टिप्स जो हैं जो मैं डेली करती होती हूँ वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।